बिग बॉस 18 की शुरुआत हो चुकी है और घर में जमकर घमासान जारी है। हर कंटेस्टेंट अपने आप को तुर्रम खा समझ रहा। बिग बॉस का घर और बवाल ना भैया, ये तो होना नामुमकिन है। वहीं सीजन में हर कोई जमकर कंटेंट दे रहा है। शो में विवादों की झड़ी शुरू लगनी भी शुरू हो गई है। बीबी हाउस में लड़ाई झगड़ों के बीच एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जहां बिग बॉस 18 के पहले हफ्ते में ही कंटेस्टेंट कुछ भी बोलने से चूक नहीं रहे। इस सीजन में महाराष्ट्र के मशहूर वकील गुररत्न सदावर्ती भी शो का हिस्सा बने हुए हैं, जो घर में कुछ भी बोलने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाते। जी हाँ, उन्होंने शो में कई ऐसे दावे किए जो लोगों को हैरान कर दे रहे। बीते एपिसोड में वो आग बबूला होते हुए नजर आए, जहां उन्होंने जाने माने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और भारत सरकार को भी अपनी बातों में घसीटा। मेरे से सरकार डरती है, मेरे से दाऊद इब्राहिम डरता है। तो वही अब लगता है कि इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बीते गुरुवार को वे एपिसोड में जमकर बवाल हुआ, जहां बिग बॉस ने घर वालों को तजिंदर और हीमा को जेल से बाहर निकालने का विकल्प दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक और कंटेस्टेंट और चाहत को अब जेल में रहना होगा। चाहत का साथी चुनने का फैसला टीवी एक्टर करणवीर मेहरा, ईशा सिंह और अविनाश मेहरा को दिया गया। तीनों ने सर्वसम्मति से गुरुरत्न सदावर्ती को चुना। भैया फिर क्या था, ये सुनते ही वकील नाराज हो गए। बस फिर क्या था, उन्होंने जेल जाने से इनकार कर दिया और बिग बॉस को अपना ही फैसला सुना दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बिग बॉस को धमकी देते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर जेल तो नहीं जाएंगे और बिग बॉस को फैसला बदलने के लिए कहा। अपनी असहमति जताते हुए गुरुरत्न चिल्लाने और दहकने लगे और कहा, देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अभी घर से चला जाता हूँ, क्विट करता हूँ, और फुल हेकड़े में कहा नॉमिनेट हो जाता हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस नहीं जाना, बात खत्म। और कहा, सवाल टॉर्चर का नहीं होता, भूमिका का होता है। हम कोर्ट में भी ऐसी ही भूमिका रखते हैं, मेरे से सरकार डरती है, दुनिया का जाना माना दाऊद इब्राहिम मुझसे डरता है, मैं जेल नहीं जाऊंगा, हटो हटो चलो हटो।